कल तक हमने डिस्कस कर लिया था उनके अर्ली एजुकेशन, कि वो ग्रेसम्स स्कूल में 1920 से 1925 तक रहे थे एट हॉल्ट इन नॉरफॉक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, उनकी हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हिज कैरियर एट ऑक्सफोर्ड। ठीक है, और आई थिंक सभी लोग जानते हैं ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है लंदन में, इंग्लैंड में। तो ही एंटर्ड क्राइस्ट चर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1925, यानी ये क्राइस्ट चर्च एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, ये कॉलेज है। ठीक है, 1925 में इन्होंने वहाँ एडमिशन लिया था और वहाँ 3 साल तक ये रहे थे। 1928 तक इन्होंने क्राइस्ट चर्च में ये रहे थे, 3 साल तक, 1928 तक क्राइस्ट चर्च। ये आप देख सकते हैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज का पिक्चर है, ये देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, आपको दिखाई देगा। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, तो 3 साल उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इनका, इन्होंने कई फॉरेन ट्रिप भी किए थे, चलिए बात कर लेते हैं आगे। हिज कैरियर एट बर्लिन। ठीक है दोस्तों, ही वेंट टू बर्लिन इन 1928, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के से निकलने के बाद ये सीधे 1928 में बर्लिन चले गए। ठीक है दोस्तों, ये बर्लिन जो है ये जर्मनी का एक शहर है इस, और ये कैपिटल भी है जर्मनी की। ये बर्लिन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बर्लिन ये कैपिटल ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के अंडर आती है बर्लिन, वहाँ चले गए थे 1928 में, और इन्होंने वहाँ पर जो है केवल 1 साल बिताई बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, ही स्पेंट 1 ईयर ओनली देयर। ओके, इन बर्लिन ही स्टडीड जर्मन सॉन्ग्स, पोएट्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो बर्लिन में इन्होंने जर्मन सॉन्ग्स के बारे में पढ़ा, पोएट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, बर्लिन में उसके 1 साल बाद यानी 1928 में गए थे, मार्च 1929 में ईशरवुड भी जर्मनी में इनसे मिले, ईशरवुड। ठीक है दोस्तों, 1929 में ईशरवुड इनसे बर्लिन में मिले, उनको ज्वाइन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिज रिटर्न टू इंग्लैंड। ठीक है, अब ये इंग्लैंड वापस आए हैं बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक वर्डन्स। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक वर्डन्स के कारण ये जो है इंग्लैंड वापस आ गए। ही रिटर्न फ्रॉम जर्मनी टू इंग्लैंड इन 1930 ही ज्वाइन एज अ स्कूल मास्टर एट डाउन्स स्कूल कॉलवेल नियर मेलबर्न। तो इन्होंने क्या किया था इंग्लैंड में 1930 में, एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था एज अ स्कूल मास्टर, डाउन्स स्कूल कॉलवेल। ये आप देख सकते हैं डाउन्स स्कूल कॉलवेल नियर मेलबर्न। मेलबर्न भी एक सिटी है लंदन में, इंग्लैंड में एक सिटी है मेलबर्न। तो वहाँ पर डाउन्स स्कूल में एक ये पढ़ाने लग गए थे। ये एक दोस्तों स्कूल है, को एजुकेशनल स्कूल है, यहाँ पर 3 साल से 13 साल तक के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। इन 1930 ही पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इनका एक पोएम का कलेक्शन पब्लिश हुआ था 1930 में, जिसका नाम था पेड ऑन बोथ साइड्स, जिसमें 30 पोएम का एक ये कलेक्शन है, पेड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 1930 में इनका एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था, और इसी का सेकेंड एडिशन ऑफ द सेम कलेक्शन, ठीक है, सेकेंड एडिशन ऑफ द सेम कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1933। तो 1933 में इसी कलेक्शन का सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1933 में। और आपकी जानकारी एक बात और बता देता हूँ, इन्होंने लगभग ही वर्कड अबाउट 6 मंथ विद द फिल्म यूनिट, एक फिल्म यूनिट के साथ भी इन्होंने काम किया था, जिस यूनिट का नाम था GPO। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन्होंने कई फॉरेन ट्रिप किए थे। ओके, इन 1939 ही एंड क्रिस्टोफर ईशरवुड एमिग्रेशन टू अमेरिका।
फिर क्या हुआ था 1939 में, ये और क्रिस्टोफर इशरवुड जो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इनके कंपेनियन थे, इनके क्लासमेट थे, 3 साल इनसे बड़े थे, क्रिस्टोफर इशरवुड के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो 1939 में ये अमेरिका दोनों लोग चले गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस उसके बाद ऑन 29 ऑफ सितंबर 1973 ऑडन वॉज डाइड। तो 29 ऑफ सितंबर 1973 में ऑडन का देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी और उनको दफनाया गया था किस्टन चर्चयार्ड में उनको दफनाया गया था। किस्टन चर्चयार्ड इज़ अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट पोल्टन, ये एक टाउन है किस्टन चर्चयार्ड, वहाँ पर इनको दफनाया गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।